असा कश्मीर दे नवाब सजनो सच कहंदे सरकार असी यारां दे आ यार सच कहंदे सरकार असी यारां दे आ यार असी सोनिया मशूकां दे हिस्सा असा पूरा खाना ना पूरा नहीं छोटा जा रहा हूं मैं जान 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 पूरा ए पूरा खाना वैसी अच्छा जी दोस्तों असा इस टाइम पुजी आया जंडाला ने मकाम पर और माशाल्लाह मुन्ना भाई असना सारे दोस्तों ना वेलकम किया इन्होंने घर आए खाना वगैरह खाई चुके हैं तो हूँ इन्होंने इतना मकान ने छत पर मौजूद सा तो असा यह क्यों ना तुसा कि इस इलाके ने खूबसूरत शॉट भी दसा उस पहले असा माशाल्लाह इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करने हैं और इन्हें की मुबारकबाद भी पेश करने कि माशाल्लाह तुसा चैनल मोनिटाइज होया तो अज इस खुशी ने मौके पर तुसा क्या फरमाना चाहते हो सब तो पहले तो जितने भी भैन भ्रा तकड़े पेन इन्होंने शुक्रिया तो ठीक भाई स्पेशल तुसा ना शुक्रिया आज टाइम कट गया तुसा अदरीस भाई फिजान भाई मंसूर भाई इतने असने घर आए हो असा की खिदमत ने मौका दिता तो बहुत टाइम तो असा मैं इे सोच रहा सा कि दावत दी जाए तो सारे मिल गाओ तो फिर असा मिले गप शप ला तो अच्छ बड़ी खुशी हुई है बहुत ज्यादा इनकम आने इतनी खुशी नहीं सी जितनी मैं आज तुसा हमारे बह गए गप शप लाने ना खाना शाना खाने ना मी माशाल्लाह जी असा अपनी तरफ भी इनकी मुबारकबाद देने जबरदस्त इन्होंने एफर्ट से जिस वजह से जाहिर मेहनत का फल मिलना है और इनकी तो चंगा भला मिले आ और पक्का पकाया मिले है बड़ा जबरदस्त है उसने असा की भी हिस्सा दिता है उसने डली लाई ना सारे की एक एक बंडी है क्योंकि पहले इन्होंने पेमेंट से किराया कुसा बंदे को ने सारे बिल्कुल जी तुसा इन्होंने जितनी अगे भी सपोर्ट की उसना भी शुक्रिया और मजीद भी तुसा इंशाल्लाह इनकी सपोर्ट करने रहो तो तुसा की खूबसूरती दसने रहो तो अज असा तुसा की इस इलाके ने नजारे कराने अपने चैनल ने थ्रू कुछ शॉट तक उस तो बाद असा चरसा गया किले ले साइड क्या किला है बागसर किला बागसर किला जिंदगी तबाह की थी सोने आंदी चाला ने बड़ी दुनिया फना की थी सोने आंदी चाला ने बड़ी दुनिया फना की थी सोने आंदी यारी नारासाई आशिकी काफी चीज़ें
दोस्तों असा जंडाला सू ही कै फिरने फिरने फाइनली पुजी आए इत बागसर इलाके बागसर किले पर नीचे असा गड्डी पार की इस साइड पर अपर किला आया असा अपर चलसा साढ़े नाल सारे भाई मौजूद है ते गड्डी असा नीचे खलाई क्योंकि थोड़ी जी रोड ऑफ रोड छनी है इस मारे असा नीचे खलाई असा चलो नाल पैदल चलने जन्ने ते नाल नाल तुसें गी दस्सने आ माशाल्लाह तकरीबन टाइम इसलै होई गया 5:40 और सीन माशाल्लाह इस तरीके ने और पुरसकून इलाका आ बिल्कुल किसी साइड पर कोई शोर उगुल कोई नहीं है ते बिल्कुल सुकून सारे संगी जाने पे फरजान भाई है मुन्ना भाई अदरीस भाई मंसूर भाई नाल नाल चलने हैं नाल नाल दसने हैं इधर तक व्लॉग बने पे हर बंदा अपने अपने व्लॉग ने चक्कर च पेया अकबर बादशाह रोजगार सिस्टम खाने पीने रोजगार लगा रहना सामने लकड़ियां शकड़ियां कतरी रहे ये बच्चा है साने अच्छा अच्छा ठीक है सब जान लगने लगड़ी ले जाएंगे दो गड्ढे हां बिल्कुल ये भी गल सही है बड़ी मेहरबानी चाचा ये दातो फदा जी है टेढ़े सारे तरफ फुल्ला ए फुल्ला यार असद जनाब डडियाल सो आए डडियाल आए ए ना गवंडी एक कम दे यार सीधे ए कम दे ये भी अग बालने को नहीं इन्होंने इकट्ठे करी है बालने हां बलि जणी ना हां देखो ए ज्ञाने मारो जी लकड़ियां ने पूरा ट्रैली भरी माशाल्लाह इन्होंने सुनने कख भी नहीं चलो ठीक है जी मेहरबानी शुक्रिया बहुत बहुत जी असा पुन गलाई है ओ पुन हां पुन चलायो मुश्किल है क्या मुश्किल है कितना टाइम लगसी के ऊपर जाने दादा 5 मिनट लगनगे और 5 मिनट चलो ऐसे तो सी बोल शॉट दे शॉट हो जाओ इधर आ जाओ चाचा गुड हो गया जी ठीक है थैंक यू उधर से तक आया था उनकी एक रिक्वेस्ट करने है कि जरूर जरूर सोशल मीडिया चैनल सब्सक्राइब करो पानी आंदा लेकिन जेजी पता कोनी है क्योंकि महसूस नहीं हुई जरूरत महसूस नहीं हुई पानी में आंदा हो ते नाल क्रिप्सी ये पूरी ले तो पे है अच्छा अच्छा सारी पूरी आंदी वाह जी वाह मंसूर साहब इधर अच्छो जी उधर जी इधर शॉर्ट रास्ता है अच्छा उधर जरा लंबा भेज जाना थकी ना गए मास्टर जी वाह जी वाह तो कौन शॉर्ट रास्ता सा तैयार कीता या शॉर्ट रास्ते इधर आए ते आए बच्ची ते गए लगे देखो मेन रोड जेडी नहीं बिल्कुल पक्की है बिल्कुल रास्ता जड़ा नहीं है सारा शॉर्ट है थोड़ा टाइम बचे तो ही क्या अगर दो राह जाने चलने आगे सावी चढ़ी गए ओए दो रास्ते आगे जाने से आ कुदर जानो आ किधर जानो हां जी हां जी भाई जी गल करो जी जी दसो ने कुत्ता पोती हूं ए भाई आ चढ़ाई ने मशकारा ही पुजी है जा कोई पता नहीं कुत्ता पोती है जो ज्यादा ना लकड़ी हां लकड़ी क्यों पड़ी सारे लकड़ी सही बात है जंगली इलाका है सॉरी जंगली जंगल है जंगल है कोई भी जानवर आ जाए तो फॉर सेफ्टी ठा ठा ਨਾਲ ਟੋਣ ਟੋਣ ਜੁਸਨ ਕਾ ਕਰੋ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੱਕੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁੱਗ ਲਈ ਵੀ ਕੁਸਾ ਚਣੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਰਹੇ ਗੈਰ ਸਾੜਾ ਆਏ ਹਾਏ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਸਫਰ ਰਹਿਣ ਆਇਆ ਸਾਹ ਸੀ ਥੋੜੇ ਹੋਲੇ ਹੋ ਜਾ ਸੋਚੇ ਅਸਾਂ ਥੇ ਪਤਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਪਤਲੇ ਹੋ ਸਾਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਬਾਡੀ ਸਹੀ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ साफ सुथरी जगह फिर जनाब आदत है माशाल्लाह हां माशाल्लाह नहीं आहो बस सुभान अल्लाह ही आहो जिन्हें सटिया बस उन्हें की कोई हिदायत ही अल्लाह दे ये साफ सुथरा माहौल है सने कश्मीर ता नहीं बस इथा बंदे गंद भाई छन ए कोई मरसूद एहतियात करा करो एहतियात करा करो
आखिरकार असं किले ने नजदीक पुजी आए और माशाल्लाह कुछ इस तरीके ना असं की व्यू तक नहीं मिलया। फाइनली पुजी आए इत्थै बागसर किले ने बाहर इस साइड पर अगर एंट्रेंस है इस तरह अंदर भी जुसा उस तो पहले इत्थै बाहर आया माशाल्लाह एक खूबसूरत जगह है। अगर फैजान भाई तुसें इस साइड पर दसी सको जो कि मुगल मशहूर शहनशाह जहांगीर जो कि इन्होंने इत्थे बाहरी साइड पर एक मजार भी बनता है पहले भी दसी चुके अगर चलसा अंदर अंदर तो भी कोशिश करसा अगर इजाजत मिलेगी अंदरों भी दसा। बाकी अगर फैजान भाई व्यू की गल की जाए तो माशाल्लाह काफी खूबसूरत बिल्कुल माशाल्लाह अगर इतना सही प्रॉपर इतने अच्छे नहीं इजाजत मिली जाए टूरिस्ट की क्योंकि इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा बंदे नहीं आई सकने बस इतना इजाजत कि नहीं अच्छा पैना और माशाल्लाह खूबसूरत जगह ही है। अगर चलने नाल नाल तुसें कि दसने बागसर किला बिल्कुल जी असा मशहूर मुगल शहनशाह जहांगीर कश्मीर से वापस थी पर 1627 में सराय सरहदाबाद के करीब वफात पा गए। जिस्म को महफूज रखने के लिए शहनशाह के अंदरूनी अज़ू को निकाल कर यहाँ दफन किया गया। बाद हज़ार जिस्म को लाहौर में मुंतकिल कर दिया गया। अगर एक लिखा हुआ जी फिर दोस्त लिखा आगे कुछ कटिंग हुई भी है फिर दोस्त एक शेर लिखा जी छोड़ो कटी मार समझ गए बाकी आगे जिन्ना इंग्लिश च पढ़नी इन्ना नहीं हिस्ट्री है तक ही सकते 12 तख्ती बनाई ने अच्छा चेक कर सकते हैं यानी कब्र सम्राट जी थे ना अंदर अंतड़ियां वगैरह जितने से अंदर ने आजाद से जितने पास सामने किला बिल्कुल पास सामने किले ने बारी साइड पर बाकी है कि दुआ जड़ा इथे स्टैंड उसने पर जड़ा नहीं है तो चेक कर सकते हो सारा इन्होंने चेक करो ये होना बंदा मंसूर साहब और इंट्रेंस आइए सो अगर गल की जाए इसने जी उस टाइम इसकी बनाया है तामीरात किया गया है इसके खालिस तक किसी तरह टोटल पत्थर इस्तेमाल चूना ये जरा तुम नजर रखना उसी चूना है और बाकी पत्थर आ बड़ी सोहने तरीके ने इसने चनाई हुई भी है और अगर फैजान भाई थोड़ा इस साइड पर भी दसी सको खूबसूरत अपर बनती हैं छोटी छोटी खिड़कियां भी बनती हैं आगे आए जो बिल्कुल नाम आप से की दसने हैं क्योंकि असं ये फर्स्ट टाइम आए हैं इतने बिल्कुल ना सके कि कोई इसने बारे ज्यादा हिस्ट्री पता ही है जो कि ऐसा तक नहीं हो ही तो सके नाल नाल बिल्कुल इस साइड पर विजिट कराने हैं एक साइड पर एक बड़ी खुली जगह ही है ठीक है अच्छा इधर नीचे है एक गेट है लेकिन एक मेन गेट है चलो जी असन उस साइड पर भी चलने हैं ये पहले भी मुन्ना भाई इस तरह से ये बाद में खाई जी बनाई है ने बाद में बनता है अच्छा ठीक है ये बारिश की वजह से बनी है सो मुन्ना भाई तो आगे भी आए हो या फर्स्ट टाइम आए हो अच्छा रास्ता इधर भी है ना जी ये तो गिरया ना बंद हो गया वैसे इधर काफी अंदर जंगल पे गया असल च क्योंकि एक चीज जड़ी है ना ये तो खौफ नहीं लगना नहीं खौफ तो नहीं है असल है ऐसे चीज ड्रोननी जगह लगनी जाहिर है इमारत तो किसे कहने ना इतनी पुरानी इमारत है
बिल्कुल सोचो कि इतना क्या पता उस दौर च मुसलमान नाल जो भी सा जो भी सा अजाब सारा कुछ अंदर और ऐसा ये तो कोई साइड पर बिल्कुल बड़िया बड़िया जगह बनती हैं हिस्ट्री गाले जगह ही है और चीज तो पूरा है चीज है तो कोई ये कोई हाथी बनता हुआ ये उन्होंने ऊपर जरा उस टाइम में अक्सर तुम तकिया उस वीडियो बिच भी के छत किस तरह बने गोल छत बनाने उस इट ना इस्तेमाल होना सा बिल्कुल ये नहीं पता की किस तरह इट बनाने थे इट उस भी थोड़ी बहुत बननी थी ज्यादा कम पत्थर ना होता अगर तक कह जाए जितना बड़ा किला या इस किले ने अंदर जितना भी ये पत्थर इस्तेमाल किया गया या बहुत ज्यादा मकदार चा और ये पत्थर अगर सोचा जाए तो क्या पता कुछ हुआ उसी ने और किस तरह इस पत्थर की बनाई गई ना सीधिया दीवारों ने बिल्कुल चलाई की है। अच्छा जी फैजान ये तको ये चीज नोट की ये कह रहा इतको जी उस टाइम से पता लकड़ी ने दरवाजे होने थे उस कब्जिया शब्जिया का सिस्टम तो है कौन सा लगे दरवाजे बंद अंदर ये एक लकड़ी होनी थी इस तरह अगर नीचे जमीन होनी थी तो अपर उसने ठीक है दरवाजा इस खुला था तो यह जी जगह बनती भी है ना यह मुड़ी इस तरह रार पार एक लकड़ी करी छोड़ने से दरवाजा खुले ना ठीक है। अच्छा तुम ड्रामे भी तक सुनो अक्सर ड्रामे ड्रामे ये चीज होनी है शाम का टाइम है अस पहले पहले इसमें कुछ कवरेज करा इस साइड पर एक कोई बेसिकली कोई कमरे हुए रैश गांव वास्ते तो खत्म हो गए बिल्कुल इन्होंने बाहरी साइड पर भी खत्म हुए अंदरले साइड पर छत मेरा असली तो जेरे गौर मतलब किसा गौर नहीं की जी जी तो उस तो बाद बुढ़ हो गए तो किस आस्ता आस्ता जो और पांच छह साल किसा गौर ना की पानी ने बारिशों में खत्म हो जाता बिल्कुल असली इस पर जहरी गल है कि क्योंकि मतनाजा इलाका है ये चीजें जड़ियां ने इना के जान ने मुर्गा सेटअप करना चाहिए हां अगर इस तरह इस तरीके ये चीज अगर बेहतर हो जाए तो और अच्छा टूरिज्म आ सकने और किसी पता है कि कितना बंदा पैसा गवर्नमेंट कमाई बिल्कुल है आम जड़ी है वो उन्हें रोजगार लग जासी बिल्कुल खाली ये तक फौजी तो को बनावट किस तरह बनावट तक ये चीज को किस तरह है जिस पत्थर बनाई गई है आजकल तक ये मशीनों पर बननी है जी हां उस टाइम ये चीज हाथों ना सारी बननी थी बिल्कुल सब इस टाइम जरा मिस्त्रियों का काम है जी मिस्त्री चिनाई करने खास करके वो क्या करसुन के साल करसुन लेवल करसुन सारा कुछ उसकी जिसे पता जदीद सिस्टम आई गया पर उस लै भी अगर तकिया जाए तो अगर इसने ऊंचाई तकी जाए और इसने सिदाई तकी जाए तो बिल्कुल सही सूत्र भाई जी जी क्या तो उस दौरी इधियों का तो तेज कोई ऐसा आला आया है जिसने शुरू करने हुए हैं इस चीज की तको कि टेक्नोलॉजी आस्ता आस्ता बननी आई ना उसला भी हुई है उसला है सी ना पर उसला क्या था उस तरीके नहीं थी उन बिल्कुल चीज हुई है वक्त नाल चेंजिंग होनी ना उस तको इस चीज ने कितनी ज्यादा हाइट है बिल्कुल कम से कम ये हाइट ने लिहाज नाल 50 मीटर ऊंचा होती है बिल्कुल तो ये अपर से नहीं नीचे तक बड़ा सोना सीधा तीर बनता है तो कौन सीढ़ियां बिल्कुल जी है तको ये उस पुराने दौर की पत्थरों की सीढ़ियां कोई खास नहीं आता कि पहले देखना क्योंकि दीवार जी है नाले पता थे ये दीवार जड़ियां ना काफी पुरानी है डेंजरस सी ऐसा कोशिश करने हैं उस साइड पर चलने बिल्कुल